सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के गुरुग्राम एसटीएफ ने देर रात सोनीपत के राई थाना क्षेत्र से 5 क्विंटल 35 किलो गांजे के साथ पानीपत के रहने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों एक ट्रक में गांजा भरकर बिहार से लेकर आए थे और पंजाब के संगरूर में डिलीवर करना था। दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। हरियाणा के गुरुग्राम एसटीएफ की गिरफ्त में दिखाई देने वाले ये दोनों युवक पानीपत के चुलकाना गांव के रहने वाले बालकिशन और रामफल हैं और दोनों के कब्जे से हरियाणा की एसटीएफ टीम ने एक ट्रक से 5 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ये दोनों इसे बिहार से लेकर आए थे और पंजाब में सप्लाई करना था। एसटीएफ के मुताबिक दोनों ने अपने ट्रक में एक खुफिया कैबिन बना रखा था और इसी में 18 कट्टों में ये करोड़ों रुपए की कीमत का गांजा छुपा रखा था। हरियाणा के गुरुग्राम एसटीएफ अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है और नशे के सौदागरों को हरियाणा एसटीएफ की ये बड़ी चोट है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज श्री सतीर बालान आईपीएस आईजी एसटीएफ गुड़गांव के दिशा निर्देश अनुसार नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए केएमपी फ्लाईओवर दिल्ली चंडीगढ़ रोड पर नाकाबंदी करके 2 व्यक्तियों जिनमें एक का नाम बालकिशन और दूसरे का नाम रामफल जो चुलकाना पानीपत के रहने वाले हैं, इनकी गाड़ी में HR 38U 3815 कैंटर ये टाटा 1109 में कैबिन बना हुआ था, खुफिया कैबिन, उसके अंदर 18 कट्टों में नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ जिसके टोटल वजन है 5 क्विंटल 35 किलो। कहाँ से लेकर आए थे? कहाँ लेकर ये बिहार ब्रह्मपुर बिहार से लेकर आए थे और इनको पंजाब संगरूर लेकर जाना था। बाजार में क्या कीमत इसकी रही होगी सर? बाजार में लगभग 20,000 रुपये केजी का रेट मान के चलो इसका। टोटल कितनी कीमत? करोड़ के लगभग कीमत है इसकी। वहाँ सप्लाई करना था संगरूर में? हाँ, सप्लाई करना सर। अभी इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा? पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपको बताई जाएगी। सर कहीं ना कहीं लगता है कि पंजाब के युवाओं को ये सप्लाई करना था, अभी वो आगे इन्वेस्टिगेशन में। यही मुख्य आरोपी है सर, इनके पीछे और भी कोई है? अभी ये पूछताछ जारी है, जो भी पता लगेगा उसके बारे में। कितने समय से जुड़े हैं? कब से ये कारोबार कर रहे हैं इस चीज का? प्रथम पूछताछ में क्या सामने? ये कई बार 2-3 बार पहले भी लेके आए हैं, अब पकड़े गए। पहले कहाँ सप्लाई किया इन्होंने, कुछ बताया हो? यही पंजाब में संगरूर में या ये पानीपत एरिया में जाएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब तक क्लियर होगा तो आपको सच्चाई बताई जाएगी।